जो एक्सपीरियंस था वो 10 वर्ष था, तो उस 10 वर्ष का एक्सपीरियंस को घटा के अब 8 वर्ष कर दिया गया है, तो 2 साल उसमें कटौती कर दी गई। दूसरा, उसमें परीक्षा कैसे होगी इसका पूर्व विवरण ही उन्होंने नियमावली में रखा था कि 150 प्रश्न होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी, ये सब था। अब ये प्रावधान किया गया है कि जो परीक्षा का पाठ्यक्रम और परीक्षा का प्रारूप होगा वो शिक्षा विभाग और बीपीएससी आपसी विमर्श परामर्श से निर्धारित करेगा। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार का शिक्षा विभाग इन दिनों खूब सुर्खियों में है, लगातार बड़े बड़े फैसले शिक्षा विभाग ले रहा है। और इस बीच नीतीश कैबिनेट ने और शिक्षा मंत्री के द्वारा एक बड़ा फैसला ले लिया गया है। देखिए, शिक्षा विभाग के तरफ से एक बड़ा फैसला नीतीश कैबिनेट ने ये लिया है कि वो हेडमास्टर जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी, अब उसमें बड़ा बदलाव कर दिया गया है। देखिए, मंत्रिपरिषद ने इस पर मुहर लगाई है, कई बड़े बदलाव किए गए हैं। दरअसल बदलाव ये हैं कि जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी, पहले 10 साल का एक्सपीरियंस हेडमास्टरों में खोजा जा रहा था, बीपीएससी के थ्रू एग्जाम हो रहा था, मगर अब 8 साल ही एक्सपीरियंस जिनके पास होगा वो हेडमास्टर बनेंगे। एस सिद्धार्थ, बिहार कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव, इस बात की जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से बड़ा बदलाव किया गया, क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले आप ये सुनिए, आपको याद होगा कि जो हेडमास्टर की नियुक्ति के लिए सरकार ने एक नियमावली बनाई थी और यह कार्य जो वर्तमान शिक्षा बहाली है उसके पूर्व हेडमास्टर की बहाली शुरू हुई थी बीपीएससी के माध्यम से, और यह मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत किया था। तो हेडमास्टर की बहालियाँ तो संख्या उतनी संख्या में बीपीएससी से क्वालिफाई होकर हेडमास्टर नहीं मिले हैं, तो कुछ शिथिलीकरण उस प्रस्ताव में किया गया है जो हेडमास्टर की बहाली में, उसमें न्यूनतम जो एक्सपीरियंस था वो 10 वर्ष था, तो उस 10 वर्ष का एक्सपीरियंस को घटा के अब 8 वर्ष कर दिया गया है, तो 2 साल उसमें कटौती कर दी गई। दूसरा, उसमें परीक्षा कैसे होगी इसका पूर्व विवरण ही उन्होंने नियमावली में रखा था कि 150 प्रश्न होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी, ये सब था। अब ये प्रावधान किया गया है कि जो परीक्षा का पाठ्यक्रम और परीक्षा का प्रारूप होगा वो शिक्षा विभाग और बीपीएससी आपसी विमर्श परामर्श से निर्धारित करेगा, तो दोनों विमर्श और परामर्श करेंगे और तब वो पाठ्यक्रम और जो परीक्षा का प्रारूप है और स्वरूप है वह निर्धारित करेगा। तो यह 2 महत्वपूर्ण संशोधन जो हेडमास्टर की नियुक्ति है उसमें कर दी गई। तो हमने सुना बिहार कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव को, जिन्होंने बताया है कि बड़ा बदलाव कर दिया गया है शिक्षा विभाग के तरफ से और अहम फैसले लिए गए हैं हेडमास्टर की नियुक्ति के लिए। देखिए, जिस तरीके से लगातार शिक्षा विभाग ये प्रयास कर रहा था कि हेडमास्टर अच्छे क्वालिटी के मिले, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए मिले, सरकारी स्कूलों को सुधारने के लिए मिले, तो ऐसे में अब बड़े फैसले लिए गए हैं और कमी कहीं ना कहीं महसूस पूरे बिहार में की जा रही थी, काफ़ी लंबे समय से लंबित था ये मामला, मगर अब नीतीश कैबिनेट ने उसे स्वीकृत कर दिया है। अब बिहार में हेडमास्टर जो होंगे उनके लिए 8 साल ही एक्सपीरियंस बीपीएससी खोजेगा। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से लाइव सीरीज।